हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। फिलहाल मैं हूँ अभी गोवा में और सुबह करीब 7:35 हो चुके हैं। सुबह सुबह गोवा कुछ इस तरीके का दिखता है, रोड्स खाली हैं और बारिश काफ़ी हुई थी कल रात में। और हम गोवा आए हैं और दूध सागर नहीं जाएंगे तो फिर गोवा आना उसमें वर्थ नहीं है, अगर आप रेल लवर हो तो। हे बॉय, चलो अपनी ट्रेन है, अपनी निकलना पड़ेगा बेटा, मिलते हैं। और सुबह के वक्त में मडगांव रेलवे स्टेशन में काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ से हम अमरावती एक्सप्रेस जो है वो पकड़ने वाले हैं मडगांव स्टेशन से। और आज एक छोटी जर्नी जो है वो करने वाले हैं हम दूध सागर तक। फिलहाल मानसून एकदम अपने शबाब पे है, हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। वैसे तो बहुत डेंजरस है इस वक्त ट्रैवल करना दूध सागर में, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन जो हैं वो डिरेल हुई हैं, बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं उस तरफ, तो ऐसे में थोड़ा डेंजरस है, पर कमाल की जर्नी होने वाली है। चलिए इस मानसून में दूध सागर को देखने का जो एक्सपीरियंस है ना वो कुछ अलग ही होता है। आइए मेरे साथ, आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए। दोस्तों ट्रेन जर्नी मुझे बहुत ही पसंद है और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही मजा है, आपके साथ ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस करता हूँ। लेकिन ऐसे में डिजिटल युग है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर मेरे पास जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो कुकू एफएम है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी बायोग्राफीज जो हैं, ओरल स्टोरीज जो है वो ऑन द गो सुन सकता हूँ और अपने आप को इंटरटेन करता हूँ। और सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं ना जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करती है, तो मैं वो सब भी सुनता हूँ और अपनी नॉलेज को जो है वो ऑन द गो बूस्ट करते रहता हूँ। दोस्तों बात करें कुकू एफएम की, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ढेर सारे कंटेंट, करीब 1000 घंटे से ज़्यादा का जो कंटेंट है वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलता है। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे आप बिजनेस, फाइनेंस, अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो बुक्स हैं वो सुन सकते हो। और यहाँ पे बुक्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हर दिन एक नई जो ऑडियो बुक है यहाँ पे अपलोड होती रहती है। और वैसे भी आज के डिजिटल युग में फिजिकल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो जाहिर तौर पे कुकू एफएम जो है ना वो आपकी लाइफ थोड़ी आसान बनाता है, क्योंकि आप यहाँ पे ढेर सारी ऑडियो बुक जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो जब मर्जी आपकी हो। तो फिर देर किस बात की, जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और ढेर सारी जो ऑडियो बुक्स है उनको सुनिए और अपनी जर्नी को जो है वो एंजॉय करिए। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड यानी कि RG20 इस्तेमाल करना ना भूले, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है, तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल जो है वो जरूर से करिएगा। चलिए जर्नी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है बस अब निकलने वाली है और दशहरा आने वाला है, तो आप 17 अक्टूबर के पहले DUS50 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने अपने टिकट को अपग्रेड कर लिया स्लीपर क्लास में, ऑब्वियसली बात है फेयर डिफरेंस पे करके हम स्लीपर क्लास में आ गए, क्योंकि 2S में बहुत ही ज़्यादा रश था और वहाँ से शायद दिक्कत होती हमें शूट करने में। और डिपार्चर जो है मडगांव से हो चुका अपना, और सबसे अच्छी बात है ये है कि L को आपको देखने को मिलेगा। शानदार से सफ़र का आगाज़ हो चुका है, अंजाम जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दूध सागर वाटरफॉल जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, वो भी मानसून जब एकदम अपने शबाब पे है। फिलहाल स्लीपर क्लास जो है वो काफ़ी खाली है 2S से, तो यहाँ पे व्लॉग करने में, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी सबके लिए। तो हम लोगों ने इसमें अपना टिकट जो है वो अपग्रेड कर लिया है फेयर डिफरेंस देकर के। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मयूर भाई, सौरभ भाई एंड सौरभ भाई के भाई, उसके बाद से सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, सभी लोग जाने वाले हैं। और श्रेयांश भाई को इमरजेंसी विंडो मिल चुकी है, अभी छोड़ने वाली नहीं है, शूट करने में अच्छा रहेगा। चलिए फिलहाल आगे के सफ़र को बढ़ाते हैं, और जो सेक्शन है ये सिर्फ 2 घंटे की जर्नी होने वाली है, लेकिन 2 घंटे की जर्नी जो है ना बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। और अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हो और आपको इमरजेंसी विंडो मिल जाती है और वो भी दूध सागर देखने के लिए, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। इमरजेंसी विंडो मिल चुकी है, बस अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्यू चाहिए यहाँ से मेरे को। और मौसम जो है ना बाहर का बहुत बढ़िया हो रखा है, और एलपी की चगिंग यहाँ से साफ साफ सुनाई दे रही है। और ये बस कुछ लास्ट डेज हैं एल्को के डीजल लोकोमोटिव के इस रूट पर, इसके बाद से यहाँ भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ेंगी,
तो जैसे जैसे हम ब्रिगेंजा घाट के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे काले बादल और काले और घने होते जा रहे हैं। और लीजिए, बारिश भी शुरू हो चुकी है, और अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो दूध सागर वाटरफॉल पे कैमरा निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप देख सकते हैं अचानक से बारिश जो है बहुत शुरू हो गई और अंदर तक पानी आ रहा है। फिलहाल इस तरफ तो उतना पानी नहीं गिरा, तो आराम से बाहर के नज़ारे जो दिखा सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अचानक से मौसम चेंज हुआ, अचानक से बारिश शुरू हो गई। गोवा कर्नाटका बॉर्डर के बीच ये ब्रिगेंजा घाट करीब 26 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जो कुदरत के दंग कर देने वाले नज़ारों से भरपूर है, और दूध सागर इसी स्ट्रेच का एक अनोखा और खूबसूरत हिस्सा है। ट्रेन में कुछ है नहीं खाने को फिलहाल। अभी चिक्की वाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चिक्की वाले भैया, अरे हाँ, चिक्की 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 वाले भैया आ गए। भैया 60 रुपये लाना वाला चिक्की है। तो कैसे हैं भाई? 60 रुपये भैया लाना वाला चिक्की। कहाँ से लाई आपने ये? मुंबई, मुंबई लाना वाला। मुंबई से लाई है लाना वाला चिक्की चॉकलेट। और ट्रेन में आपको मिल जाता है, अगर आप ट्रेवल करें इस रूट पे तो आपको मिल जाता है। और हमारे सौरभ भाई यहाँ पे किसी का इंटेंशन हर्ट करने का मतलब नहीं, बस यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग। और सारा भाई ने बहुत बढ़िया मिमिक्री की यहाँ पे, उन्होंने बहुत टैलेंटेड है ये। तो ब्रिगेंजा घाट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे आपको और ज़्यादा अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं कुले, और यहाँ पे हमारी ट्रेन में पीछे बैंकर्स जो है वो अटैच होंगे, और यहाँ से आपको बैंकर्स जो है वो दिखा नहीं पाऊँगा, इसका अफसोस है, क्योंकि काफ़ी पीछे ट्रैवल करना पड़ेगा, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हमें। और सामने हमारे लोकोमोटिव में जो है वो स्टैंड फिलिंग हो रही है, और स्टैंड फिलिंग इसलिए होती है क्योंकि आगे ग्रेडियंट है और बारिश भी हो रही है, तो व्हील स्लिप बहुत ज़्यादा होगा, जिस कारण से स्टैंड फिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्टैंड इसलिए बहुत ज़रूरी होता है लोकोमोटिव्स के लिए। और जब पिछली बार मैं खुले में आया था तो भी ऐसी ही बारिश हो रही थी, और आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में बारिश हो रही है, जिस कारण से ये जर्नी और भी एडवेंचरस होने वाली है। तो चलिए, खुलेम से अपना डिपार्चर हो चुका है, और जल्दी ही हम दूध सागर पहुंचने वाले हैं। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो खुलेम से भी दूध सागर तक ट्रैकिंग जो है वो करते हैं, पर हम आगे इस ट्रेन को डीबोर्ड करेंगे और फिर वहां से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने पहली टनल जो है वो क्रॉस की, और बाहर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में कैमरा बाहर निकालने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। फिलहाल थोड़ी बारिश जो है वो रुकी है, तो आपको बाहर के जो कुछ नज़ारे वो दिखा सकते हैं। टनल के अंदर भी आप देख सकते हो जो बारिश की बूंदें हैं वो आ रही हैं। तो ये आपने देखा दूध सागर का एक छोटी झलक, और देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सारा पानी है और दूध सागर सच में अपने शबाब पे है। चलिए अब सीधा आपको जो दूध सागर के जो मेन दर्शन है ना वो आपको दिखाते हैं इस इमरजेंसी विंडो से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो सिर्फ छोटे छोटे झरने हैं, बाकी दूध सागर देखने में और मज़ा आने वाला है। तो जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो बस हमें दिखने ही वाला है।
दोस्तों फिलहाल ये था दूध सागर वाटरफॉल आपने देखा, और अभी यहाँ हम डिबोर्ड करते ट्रेन को, यहाँ ट्रेन ही रुकी, इसके नेक्स्ट स्टेशन पे हम रुकते हैं, कैमरा अंदर रखते हैं और कोशिश होगी थोड़ी सी ट्रैकिंग करने की यहाँ पे, देखते हैं वो पॉसिबल होती नहीं होती है, बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया है, मिलते हैं आपसे नीचे। तो फाइनली दूध सागर जो है पहुँच चुके हैं, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा वाटरफॉल। हालांकि ट्रेन से जब भी हमने इसको क्रॉस किया है ये वाकई अच्छा दिखता था, लेकिन अभी यहाँ नीचे आकर के ना सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं आपको वर्ड्स में ये बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकता कि ये वाटरफॉल कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी हम लोगों ने अपनी ट्रेन को दूध सागर के पास डिबोर्ड किया और फिर वहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करके दूध सागर के करीब पहुँचे। बाकी अगर आपको वो ट्रैकिंग वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे नए चैनल लेजी ट्रैक, यहाँ पे आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, नाम जो है वो मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।